Good morning, students. This is class 8, chapter 24, energy. Energy का मतलब energy की जो हिंदी meaning है वो होता है ऊर्जा. Energy is the ability to do work, to make things happen and to cause things and to cause changes. Energy क्या होती है? हमारे जो कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? Energy कहते हैं. मतलब जिससे कोई काम हो जाए या फिर कोई भी चेंज उसमें हो जाए. मतलब अगर हमको कोई भी चीज़ यहाँ से यहाँ हटाना है तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है, फोर्स की ज़रूरत है ना. तभी तो वो चीज़ यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस होगी, है ना. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी बहुत तरीके की होती है, कई टाइप्स हैं. अ हॉट ड्रिंक हैज़ हीट एनर्जी. अगर कोई भी जो हॉट ड्रिंक है, मतलब गर्म पदार्थ है, तो उसके अंदर क्या होगा? वो हीट एनर्जी होगी. अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म. मतलब जब आंधी और तूफान आता है तो जो बिजली की जो कड़कड़ाहट होती है उसमें क्या होती है? इट हैज़ बोथ इलेक्ट्रिकल एंड लाइट एनर्जी. उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है और लाइट एनर्जी भी होती है. अ लायंस रोर इज साउंड एनर्जी. और जब शेर जो है वो दहाड़ता है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? उसकी दहाड़ में साउंड एनर्जी होती है. अ रेसिंग कार स्पीडिंग अराउंड द ट्रैक. एक जो रेसिंग कार होती है जो कि ट्रैक पे बहुत स्पीड से चलती है, हैज़ मूवमेंट. उसके अंदर क्या है? मूवमेंट है, वो चल रही है. इट ट्रैक हैज़ मूवमेंट एनर्जी. उसके अंदर क्या होती है? मूवमेंट एनर्जी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज काइनेटिक एनर्जी. इसी को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी भी. Even a book lying on a shelf has energy. यहाँ तक कि अगर कोई किताब जो है, कोई पुस्तक है जो कि अगर शेल्फ पे पड़ी हुई है तो उसके अंदर भी क्या है? एनर्जी है. क्यों एनर्जी है? बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन एंड पुल ऑफ ग्रेविटी. क्योंकि इसकी जो पोजिशन है, ठीक है, और उसकी पोजिशन क्या है कि उसके नीचे से ग्रेविटी की वजह से वो क्या है? वो अपनी पोजिशन को नहीं चेंज कर रही है, उसी जगह पर बिल्कुल टिकी हुई है. इट प्रेसेस डाउन ऑन द शेल्फ. उसी वजह से वो उसके अंदर क्या है? क्योंकि नीचे ग्रेविटी है, अर्थ में क्या है? ग्रेविटी. और ग्रेविटी की वजह से वो बुक वहाँ से हिल नहीं रही है, वो उसी जगह पे रखी हुई है. दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. और इस तरह की जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी. मशीन्स कॉल्ड स्कैनर्स मेक पिक्चर ऑफ द इनसाइड ऑफ द बॉडी. और जो एक मशीन होती है जिसको हम स्कैनर कहते हैं, वो क्या करती है कि वो हमारे बॉडी के अंदर की भी जो पिक्चर्स होती हैं उसको भी वो डिस्प्ले कर देती है स्क्रीन पे. दे सेंड इनविजिबल वेव ऑफ एनर्जी इनटू द बॉडी. क्योंकि जब उस पर हमारी बॉडी को स्कैन किया जाता है तो वो एक इनविजिबल वेव्स होती हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर एंटर करती हैं. एंड मेजर हाउ दीज वेव्स चेंज एज दे पास थ्रू. और वो वेव्स हमारे बॉडी के अंदर जाती है और हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो स्कैन करती है. और बाउंस ऑफ द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. अ कंप्यूटर देन एनालाइजेस द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द चेंज वेव. और जो कंप्यूटर होता है उसके बाद वो क्या करता है कि वो जो स्ट्रेंथ होती है उसको एनालाइज करती है, उसके डायरेक्शन को एनालाइज करते हैं ऑफ द चेंज वेव. एंड बिल्ड अप अ पिक्चर और इमेज. और उसके बाद वो जो पिक्चर और इमेज होती है उसको बना देती है. द इमेज ऑन द राइट ऑफ द ब्रेन. जो इमेज होती है जो हमारे ब्रेन के बिल्कुल राइट में होती है. एंड हेड वॉज मेड यूजिंग द टाइप ऑफ स्कैनर. और उसके जो हमारे ब्रेन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम क्या MRI कराने के लिए जाते हैं ना, तो MRI जो होती है वो क्या स्कैनर मशीन होती है जो कि हमारे ब्रेन के अंदर के हर एक पार्ट को स्कैन करके शो करता है. एंड हेड वॉज मेड यूजिंग द टाइप ऑफ स्कैनर कॉल्ड अ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. द इमेज ऑन द राइट ऑफ द ब्रेन. मतलब जो हमारी ब्रेन के राइट में जो इमेज होती है. एंड हेड वॉज मेड यूजिंग द टाइप ऑफ स्कैनर. और इसकी जो स्कैनिंग होती है वो किससे होती है? वो MRI मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर होता है, जिसको हम MRI कहते हैं. उसके थ्रू हमारे ब्रेन की स्कैनिंग होती है. नेक्स्ट इज रेडियो एनर्जी. रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स आर रिसीव्ड बाय एरियल्स.
रेडियो, और रेडियो में जो भी प्रसारण होता है वो किसके थ्रू होता है? एक सिग्नल होता है जो कि एरियल, एरियल्स मीन्स एयर में ऐसे कुछ सिग्नल्स होते हैं वो रिसीव करते हैं, विच पिक अप इनविजिबल वेव्स ऑफ एनर्जी सेंट आउट बाय ट्रांसमीटर, जिन जो कि कुछ ट्रांसमीटर होते हैं जो इन एनर्जी को रिसीव करते हैं। द वेव कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी, और ये जो वेव्स होते हैं इनमें दो प्रकार की एनर्जी होती है, एक होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरी होती है मैग्नेटिक एनर्जी। सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। सम ट्रांसमीटर्स आर फिक्स्ड टू द टॉप ऑफ टॉल टावर्स, और कुछ जैसे बहुत ऊंचे ऊंचे टावर्स होते हैं उनके ऊपर कुछ ट्रांसमीटर फिक्स होते हैं। So that the radio waves of energy they send out can travel very long distance. इसलिए उनको सेट किए जाते हैं ताकि जो रेडियो वेव एनर्जी हो वो काफ़ी लंबी डिस्टेंस तक वो ट्रैवल कर सके। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, आप देखिए कितने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं। केमिकल एनर्जी होता है ना, जो कि एटम और मॉलिक्यूल्स में होता है। काइनेटिक एनर्जी, मूविंग ऑब्जेक्ट्स में पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट पोजिशन, ठीक है, एक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है एक ऑब्जेक्ट की पोजिशन से दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजिशन तक में होता है। सम साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी क्या होता है? जब एटम या फिर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। न्यूक्लियर एनर्जी, व्हेन एटम जॉइन और स्प्लिट, जब कोई दो एटम आपस में जुड़ते हैं या तो फिर अलग हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स में होते हैं। मैग्नेटिक एनर्जी, ये जब मैग्नेटिक अट्रैक्शन दो चुंबक के बीच में, मतलब जो मैग्नेट होते हैं उनके बीच में जब अट्रैक्शन होता है तो मैग्नेटिक एनर्जी फॉर्म होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेरियस काइंड ऑफ रेज, और ये बहुत से फॉर्म्स में होती है, रेज के फॉर्म में होते हैं, वेव्स के फॉर्म्स में होते हैं, और इनमें कौन कौन से वेव्स आते हैं? जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, हीट, लाइट, एक्सरे एंड गामा रेज। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज एनर्जी फ्रॉम द सन। सन से कौन सी एनर्जी हमें मिलती है? द एनर्जी वी रिसीव फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। सन से जो एनर्जी रिसीव होती है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज सोलर एनर्जी। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ लाइट एंड हीट, इसमें मेनली क्या क्या होते हैं? लाइट होता है और हीट होता है, दैट ट्रैवल थ्रू स्पेस, जो कि स्पेस के थ्रू ट्रैवल करते हैं। दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कम फ्रॉम एटम, ये जो एनर्जी के जो फॉर्म्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं? ये दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कम फ्रॉम एटम, ये एटम्स के थ्रू आते हैं, स्मैशिंग इन टू ईच अदर इन द सेंटर ऑफ द सन, और ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को सेंटर ऑफ द सन, मतलब सन के बिल्कुल केंद्र में ढकेलते हैं, एंड ज्वाइनिंग टूगेदर, और या तो ज्वाइन करते हैं या ज्वाइन करते हैं, और इसको फ्यूजिंग भी कहते हैं, मतलब जब वो एनर्जी क्या होती है, या तो ज्वाइन होती है या तो फ्यूज होती है, मतलब एक दूसरे से फ्यूज करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, और यही जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम, और वो एनर्जी जो कि न्यूक्लियाई के सेंटर या केंद्र से जो मिलती है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन, और जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन में जो है न्यूक्लियर एनर्जी होती है ऑन अर्थ कम्स फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन, वो कहाँ से आती है? इट कम्स फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन। व्हेन एटम स्प्लिट अपार्ट, जब दो एटम जो है वो दूर हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। सोर अवे एनर्जी, स्काई जंपर, जो स्काई जंपर होते हैं, सोर्स इन टू द स्काई, सोर्स का मतलब होता है ऊंची उड़ान भरते हैं स्काई में, लीनिंग फॉरवर्ड टू कट थ्रू द एनर्जी एंड फ्लाई एज फार एज पॉसिबल, मतलब वो क्या करते हैं? वो जो इसका ऊपर से बहुत ऊंची जो हिल्स होते हैं वहाँ से वो क्या करते हैं? खिसकते हुए सरकते हुए नीचे आते हैं एयर को कट करते हुए, और मतलब काफ़ी दूर तक वो, जितनी दूर तक होता उतनी दूर तक उड़ते हैं। द जंपर गेट्स द एनर्जी नीडेड फॉर सच अ ह्यूज लीप, मतलब जो इसके लिए जो बहुत ऊंची छलांग मारने के लिए, ऊंची उड़ान भरने के लिए जो इनको एनर्जी चाहिए होता है वो उनको कहाँ से मिलती है? वो क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं हिल के पास, मतलब हिल से सरकते हुए नीचे आते हैं। लीप बाय स्लाइडिंग डाउन अ टॉल हिल, मतलब वो उस हिल से वो बिल्कुल सरकते हुए बिल्कुल नीचे आते हैं, फास्टर एंड फास्टर, चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी। और इसमें क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस में चेंज हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। देन लीपिंग फ्रॉम द अपटर्न टेक ऑफ रैम्प, उसके बाद वो वहाँ से
उनको जो एनर्जी मिलती है उससे वो लोग काफ़ी ऊपर तक जो है वो उछलते हुए आ जाते हैं। ठीक है, सौरभ जो स्काई जंपर होते हैं वो आप लोग देखते होंगे ना कि उसमें वो कुछ ऐसे रस्सी जैसा बंधा होता है और उसी के थ्रू वो नीचे खिसकते हुए आते हैं और फिर जंप मारते हैं और काफ़ी ऊंची जैसे उनको देख इतनी ऊंची उड़ान भरते हैं वो जैसे लग रहा है वो उड़ रहे हैं, वो जंप मारते हैं बट लगता क्या है कि जैसे वो फ्लाई कर रहे हैं। एनर्जी फॉर रोबोट, और रोबोट के लिए जो एनर्जी होती है वो कहाँ से मिलती है? व्हीकल बिल्डिंग रोबोट नीड एनर्जी टू मूव देयर मैकेनिकल आर्म। व्हीकल बिल्डिंग रोबोट जो होते हैं उनको क्या चाहिए, अपने मैकेनिकल आर्म मतलब उनके जो आर्म्स होते हैं वो मशीन जैसे होते हैं जो कि अपने से नहीं मूव कर पाते, उसके लिए भी उनको एनर्जी चाहिए होता है। दिस इज़ यूजुअली सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी, और ये एनर्जी जो रोबोट होते हैं उनको कहाँ से मिलती है? थ्रू इलेक्ट्रिसिटी विच ड्राइव इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर को चलाते हैं। विच टिल्ट एंड स्वेवल द आर्म्स, और उसी की वही इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वो अपने आर्म्स को मोड़ पाते हैं, हिला पाते हैं। द मूवमेंट आर कंट्रोल्ड विद ग्रेट प्रिसीजन बाय कंप्यूटर, और इनकी जो भी जितनी भी मूवमेंट होती है वो एकदम एक्यूरेटली कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल की जाती है। प्रिसीजन का मतलब एक्यूरेट होता है। मूवमेंट एनर्जी, मूवमेंट एनर्जी एनीथिंग दैट मूव्स हैज काइनेटिक एनर्जी, कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है तो उसमें क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। द फास्टर इट मूव्स एंड द मोर सब्सटेंस और मैटर इट कंटेन, जितनी तेज वो मूव करती है उतने ज़्यादा उसके अंदर मैटर और सब्सटेंस होते हैं। द मोर काइनेटिक एनर्जी इट हैज, और जितनी तेज वो मूव करेगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी रहेगी। अ फास्ट ट्रेन स्पीडिंग अक्रॉस द कंट्री साइड हैज एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो बहुत तेज चलने वाली जो ट्रेन होती है उनके अंदर बहुत सारे ज़्यादा अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी होती है। नाउ द नेक्स्ट इज साइंस डिस्कवरी, हरमन हेल्महोल्ट्ज़। हरमन हेल्महोल्ट्ज़ जो थे उन्होंने क्या डेवलप किया था? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उन्होंने एक लॉ डिस्कवर किया था, उसका नाम क्या था उस लॉ का? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट सेज दैट एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, उनका कहना यह था कि न तो एनर्जी क्रिएट की जा सकती है और न तो कभी डिस्ट्रॉय होती है। इट इज सिंपली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एनर्जी क्या होती है वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। हेल्महोल्ट्ज़ स्टडीज वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, उन्होंने बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म्स के बारे में पढ़ा है, इंक्लूडिंग द न्यूली डिस्कवर्ड रेडियो वेव्स, और उन्होंने जो है उनकी एक डिस्कवरी है जिसको हम क्या कहते हैं, रेडियो वेव्स कहते हैं। ही वॉज ऑल्सो अ मैथमेटिशियन, वो एक मैथमेटिशियन भी थे एंड मेडिकल रिसर्चर, और एक मेडिकल रिसर्चर भी थे। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी इज चैप्टर 25, सिंपल मशीन। एवरी मैकेनिकल डिवाइस, जितनी भी मशीन होते हैं, इवन द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ तक कि जो एक बहुत ही जटिल स्ट्रक्चर जिसका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स द जायंट अर्थ मूवर, अर्थ मूवर जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है बड़ा ही जटिल और बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही मतलब आपने देखा होगा जो डिग करने वाली मशीन होती है ना, उसी को अर्थ मूवर कहते हैं, वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स का उसका स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ मेड फ्रॉम ओनली 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन, और वो जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है अर्थ मूवर का वो मिलके 4 मशीनों से मिलके बना होता है। दीज आर द लीवर, ये क्या है, इनको हम लीवर कहते हैं। द इंक्लाइंड प्लेन और रैम, उनका जो प्लेन मतलब जो उनका सरफेस होता है वो इंक्लाइन मतलब ऐसे स्लोप जैसा स्ट्रक्चर उनका होता है, जैसे रैम्प आप लोग देखते हैं ना जो ऐसे स्लोप बना होता है ना, जैसे सीसॉ होता है, सीसॉ का इंक्लाइन प्लेन होता है, उसी को हम लोग रैम्प बोलते हैं। द व्हील एंड एक्सल एंड द पुली, उसमें क्या क्या होता है, व्हील होता है, एक्सल होता है मतलब एक रॉड होता है उसी में व्हील होता है फिक्स ताकि वो रोटेट करे, और एक पुली होता है। द लीवर इज अ स्टिफ बीम, लीवर जो होता है एक स्टिफ बीम मतलब एक लंबा सा रॉड होता है, बहुत ही मतलब ठोस सा होता है वो, और बार दैट पाइवट एट अ पॉइंट, और उसमें जो है जॉइंट होते हैं मतलब जैसे कि दो स्ट्रक्चर होते हैं और बीच में जो जॉइंट होता है उसी को क्या कहते हैं, पाइवट कहते हैं। एट अ पॉइंट कॉल्ड द फलक्रम, और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी जॉइंट को क्या कहते हैं, फलक्रम बोलते हैं। इफ द फलक्रम इज क्लोजर, अगर दो जॉइंट पास पास होते हैं टू वन एंड देन द अदर, मतलब एक एंड और दूसरा एंड मतलब अगर ऐसे पास पास में है वो जॉइंट,
देन द अदर यू कैन यूज अ लीवर टू लिफ्ट अ हैवी वेट मोर इजली. अगर वो ज्वाइंट पास पास में है तो आप उस लीवर से बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट बड़े ही आराम से उठा सकते हैं. द इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन का मतलब स्लोप. द इंक्लाइंड प्लेन इज अ मशीन टूल. इंक्लाइंड प्लेन भी क्या है, एक मशीन ही है. इट इज यूजुअली ईजियर टू स्लाइड हैवी वेट अप अ स्लोप देन टू लिफ्ट इट स्ट्रेट अप. देखिए अगर एक इंक्लाइंड प्लेन है मतलब स्लोप है तो उससे आपको ऑब्जेक्ट उठाने में बड़ा ही आसानी होगा, बशर्ते कि आप उसको कैरी करके ले जाएं. आप देखते होंगे जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं जिसमें से बाइक्स वगैरह आती हैं, उनको वो इंक्लाइंड प्लेन के थ्रू ही, स्लोप के थ्रू ही चढ़ाते हैं और उतारते हैं, है ना. और ऐसे आप पकड़ के तो उसको नहीं ले जा सकते हैं. Place two inclined plane back to back and they form a wedge. मतलब दो inclined plane को अगर एक के बाद एक अगर आप उसको रखते हैं तो वहाँ पे एक wedge बन जाता है. As in a knife, जैसे knife blade होता है, knife blade जैसे आरी होती है ना, आरी, उसमें क्या होता है कि एक screw के through वो blade fix रहता है, बाद में आप उसको easily remove कर सकते हैं. As in a knife blade, एक मतलब क्या होता है, हथौड़ी. एक का मतलब होता है, वो हथौड़ी नहीं होती है, सॉरी, दैट इज़ वो काटने के लिए, लकड़ी काटने के लिए होता है ना, उसको एक बोलते हैं. और चीजल, चीजल का मतलब होता है छेनी. अ वेज रैप अराउंड अ रॉड इन अ कॉर्क स्क्रू लाइक शेप कॉल्ड अ हेलिक्स. मतलब उसमें जो एक वेज होता है वो क्या होता है, वो रैप होता है, कवर्ड होता है एक रॉड के किनारे किनारे, उसमें एक स्क्रू होता है जिसको हम लोग आरी कहते हैं ना, इससे ऐसा स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का, और फिर यहाँ पे ऐसे स्क्रू रहता है, इसी में आप ब्लेड फिक्स करिए और इधर से फिक्स कर दीजिए, उसी को आरी बोलते हैं, ठीक है. उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है हेलिक्स. हेलिक्स मतलब ऐसे, मतलब जैसे कि एक के बाद ऐसे जिगजैग का स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म्स अ स्क्रू, और वही स्क्रू बना देता है. स्क्रू आर यूज टू लिफ्ट थिंग एंड फास्टन देम टुगेदर. स्क्रू के यूज क्या होता है कि चीज़ों को उठाने के लिए हेल्प करता है एंड फास्टन देम टुगेदर, और उनको जल्दी जल्दी मतलब आप कैरी करके उसको हटा सकते हैं चीज़ों को. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बिल्डिंग द पिरामिड. पिरामिड कैसे बना. द पिरामिड्स वर बिल्ड इन एंशिएंट इजिप्ट. पिरामिड जो है वो इजिप्ट में, इजिप्ट के जो लोगों ने, लोग थे उन लोगों ने बनाया था, बहुत पुराने समय की बात है, अबाउट 4500 ईयर्स से वो, ठीक है. फ्रॉम थाउजेंड ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टोन. जो पिरामिड था उसमें वो लोग क्या करते थे, इजिप्ट के जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनको उसी में जब वो मर जाते थे तो उनकी ममीज को उसी में वो लोग रखते थे, और उसमें उनके खाने पीने की जो भी चीज़ें होती थी उसमें वो रख देते थे कि मतलब जब वो हेवन जाएंगे तो वहाँ रास्ते में उनको उन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ज़रूरत होगी, इसीलिए उन लोगों ने पिरामिड बनाया था. पिरामिड में सिर्फ राजा महाराजा को रखा जाता था, ठीक है, दफनाया जाता था. फ्रॉम थाउजेंड ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टोन. पिरामिड किसका बना हुआ, बहुत हज़ारों बड़े बड़े पत्थरों से मिलके बना हुआ है. सम वेइंग मैनी टन. कुछ पत्थर तो बहुत कई कई टन के होंगे. दीज मे हैव बीन लिवर्ड इन टू प्लेसेस. या तो वो मतलब इंक्लाइंड प्लेन के थ्रू, लीवर के थ्रू उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया होगा, और ड्रैग अप अ स्लोप बिल्ड, या तो स्लोप के थ्रू उनको ड्रैग करके घसीट के ले जाया गया होगा. बिसाइड द पिरामिड, पिरामिड के अलावा, और रोल्ड अप ऑन लॉग्स, और या तो उनको ऐसे रोल करके ले जाया गया होगा, कोई नहीं जानता, नो वन रियली नोज. साइंस डिस्कवरी. द मैथमेटिशियन एंड इन्वेंटर, गणितज भी थे और आविष्कारी भी थे, मतलब उन्होंने आविष्कार किया था. आर्किमिडीज, उनका नाम क्या था, आर्किमिडीज ऑफ एंशियंट ग्रीस, ये ग्रीस के रहने वाले थे. डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज. इन्होंने प्रिंसिपल, सिद्धांत बनाया था मैकेनिकल एडवांटेज, मतलब मशीनों का क्या उपयोग है, क्या एडवांटेज है, क्या फायदे हैं उनके. दैट अप्लाइज टू लिवर्स एंड पुलिस, जो कि लिवर्स और पुलिस पे अप्लाई किया गया था, सिद्ध हुआ था. दिस सिंपल मशीन डू नॉट गिव समथिंग फॉर नथिंग. ये मशीन जो है किसी के लिए कुछ भी नहीं करती है. अ लिवर अलाउज यू टू मूव अ हैवी वेट. लिवर क्या करता है कि हैवी वेट को हेल्प करता है मूव करने के लिए, विथ लेस एफर्ट देन बाय लिफ्टिंग इट डायरेक्टली. मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और बड़े ईजिली आप उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा, मतलब हटा सकते हैं. बट द वेट डज नॉट मूव वेरी फार. बट आप लीवर के थ्रू बहुत दूर तक किसी हैवी ऑब्जेक्ट को नहीं ले जा सकते.
द सेम डिस्टेंस डायरेक्टली और विद द लीवर, मतलब आप चाहे डायरेक्टली उसको ले जाइए चाहे लीवर से लेके जाइए, यूजेस द सेम टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, दोनों में एनर्जी बराबर ही लगता है। मतलब अगर आप इंक्लाइंड प्लेन रैंप के थ्रू अगर आप कोई भी चीज़ लेके जा रहे हैं या फिर दो लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं, दोनों के लिए जो एनर्जी रहेगी वो बराबर ही लगेगी, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज। लीवर्स एट वर्क, अब देखिए लीवर कैसे वर्क करता है। द आर्म्स ऑफ अ मैकेनिकल डिगर, मैकेनिकल डिगर मतलब जो वो जेसीबी होती है उससे बड़े बड़े गड्ढे खुदते हैं, है ना, उनके जो आर्म्स होते हैं जो जिससे वो मतलब डिग करते हैं, आर मेड फ्रॉम अ सीरीज ऑफ लीवर्स लिंक टुगेदर, बहुत ढेर सारे लीवर्स उसमें ज्वाइंट होते हैं, उन्हीं को मिलके वो बना हुआ है। द आर्म्स आर मूव्ड बाय ऑयल पंप, जो इसके आर्म्स होते हैं वो किससे मूव करते हैं, ऑयल पंप से मूव करते हैं, एट अ वेरी हाई प्रेशर थ्रू पाइप, उस बहुत हाई प्रेशर का पाइप होता है उसी के थ्रू वो मूव करते हैं, और होजेस, और उसको होजेस भी कहते हैं, उस पाइप को क्या कहते हैं, होजेस भी कहते हैं, इनटू अ सिलेंडर, और वो सिलेंडर उसमें होता है, उसी सिलेंडर से वो पाइप निकलता है, ठीक है, और उसमें ऑयल प्रेशर होता है उसी के थ्रू वो आर्म्स मूव करते हैं। द प्रेशर ऑफ ऑयल पुशेज अ पिस्टन, और जो ऑयल का जो प्रेशर होता है वो पिस्टन को जो है क्या करता है, पुश करता है, और पिस्टन मूव करता है अलॉन्ग द सिलेंडर एंड दिस प्रोवाइड द फोर्स, और जब वो पिस्टन मूव करता है तो उससे क्या होता है, फोर्स बढ़ता है, ठीक है, फोर्स प्रोवाइड करता है और एफर्ट टू मूव द आर्म, और इसी की वजह से वो आर्म जो है वो मूव करता है, ठीक है। फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, बल कहते हैं, ठीक है। सिलेंडर्स एंड पिस्टन यूज्ड इन दिस वे आर कॉल्ड हाइड्रोलिक रैंप, और इस तरीके से जो सिलेंडर और पिस्टन जो है वर्क करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक रैंप भी कहते हैं। हाइड्रोलिक रैंप क्या होता है कि जैसे होता है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें जब सामान कुछ ऊपर ले जाना होता है तो वो पानी भरा होता है उसमें, एक ऐसे चैम्बर जैसा बना रहता है उसमें पानी भरा होता है और एक पिस्टन भी लगा होता है उधर ही, और जब वो मतलब पानी पिस्टन मूव करता है तो उसमें प्रेशर पड़ता है और उसके ऊपर रैम्प जो होता है, जो सरफेस होता है उसमें हैवी ऑब्जेक्ट जो भी उठाना होता है उसको उस पर रख देते हैं, तो उसी के प्रेशर से वो ऊपर चला जाता है, ठीक है, उसी को हाइड्रोलिक रैम्प बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीवर, कितने प्रकार के लीवर्स होते हैं। देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजिंग अ लीवर्स एफर्ट और मूविंग फोर्स, देखिए तीन तरह के जो होते हैं, तीन वेज होते हैं जिससे हम लीवर्स को अलग अलग तरीके से हम उनको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इट्स फल्क्रम और पाइवोटिंग ज्वाइंट एंड द लोड, मतलब उसका जो फल्क्रम होता है, पाइवोटिंग ज्वाइंट होता है, और उसका एंड द लोड द ऑब्जेक्ट टू बी मूव्ड और प्रेस, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को मूव करना है और प्रेस करना है उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। दीज डिफरेंट वेज आर, इनका जो डिफरेंट वेज है उसको क्या कहते हैं, आर कॉल्ड द थ्री ऑर्डर्स ऑफ लीवर, ये इसको क्या कहते हैं, थ्री ऑर्डर्स ऑफ लीवर्स कहते हैं। द क्लोजर द फल्क्रम टू द लोड, देखिए जितना पास फल्क्रम होगा लोड के, द ईजियर इट इज टू मूव द लोड, जितना पास फल्क्रम होगा मतलब जितने पास उसके ज्वाइंट होंगे पाइवट्स के, ठीक है, उतने ही आसानी से आप लोड को, जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी हैवी ऑब्जेक्ट है जिसको आपको मूव करना, उतने ही आसानी से वो मूव हो जाएगा। बट यू डू नॉट गेन एनी ओवरऑल एडवांटेज, बट इससे आपको पूरा बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा, सिंस द लोड मूव लेस डिस्टेंस, क्योंकि लीवर के थ्रू ऑब्जेक्ट जो होता है वो थोड़ी ही डिस्टेंस तक वो आप उसको ले जा सकते हैं, बहुत दूर तक आप नहीं ले जा सकते हैं। इन द फर्स्ट क्लास लीवर, जो फर्स्ट क्लास लीवर होता है, देखिए तीन क्लास होते हैं लीवर के, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे तीनों क्लास को, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं ना द थ्री ऑर्डर्स ऑफ लीवर, ठीक है। अब देखिए हम लोग फर्स्ट क्लास लीवर के बारे में पढ़ते हैं। इन द फर्स्ट क्लास लीवर द एफर्ट एंड द लोड आर एट आइदर एंड विद द फल्क्रम इन द मिडल लाइक अ सीसॉ और क्रोबार, मतलब जैसे कि जो पहला लीवर का जो फर्स्ट क्लास लीवर होते हैं, द एफर्ट एंड द लोड, जो एफर्ट होता है मतलब जो हमारी ताकत होती है और जो लोड होता है, आर एट ईदर एंड विद द फल्क्रम इन द मिडल, मतलब उसमें जो फल्क्रम होता है वो या तो मिडल में, देखिए ये फल्क्रम, ये मिडल में, यहाँ पे देखिए ये जो कार उठाने के लिए, इसमें मिडल में, और इसमें ये देखिए ये मिडल में, ये फर्स्ट क्लास लीवर है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो फल्क्रम होता है वो मिडल में होता है, लाइक अ सीसॉ और क्रोबार, टू सच लीवर शेयरिंग द सेम फल्क्रम
फॉर्म अ पेयर ऑफ सीजर और प्लायर्स, मतलब दो जो फलक्रम होते हैं वो क्या मिल के क्या बनाते हैं, एक सीजर बना देते हैं, मतलब दो, देखिए एक ये हो गया और एक नीचे का हो गया है ना, ये बीच में इसके स्क्रू से टाइट कर देते, ये सीजर बन गया, ठीक है। इन द सेकेंड क्लास लीवर द एफर्ट इज इन द मिडल, सेकेंड क्लास जो लीवर होता है उसमें जो एफर्ट होता है वो मिडिल में होता है, बीच में लगाना पड़ता है ताकत, विद द फलक्रम एंड द लोड एट ईच एंड, और फलक्रम मतलब विद द फलक्रम एंड द लोड एट ईच एंड, मतलब जो एफर्ट है वो हमको मिडिल से लगाना है और फलक्रम के, और जो लोड है उसके दोनों साइड से हमको पकड़ना है। अ मैकेनिकल डिगर्स आर्म्स यूजेस दिस अरेंजमेंट, जैसे यहाँ पे ये जो मैकेनिकल डिगर है ना, यहाँ देखिए ये बीच में, इसमें एफर्ट कहाँ लग रहा है, बीच में लग रहा है, ठीक है,